देश की राजधानी समेत एनसीआर में घने कोहरे और शीतलहर का दौर जारी है और यहां के कई इलाके घने कोहरे के आगोश में हैं। कोहरे की वजह से सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार सुस्त पड़ी हुई है। मौसम विभाग ने अगले दो दिन शीतलहर और ठंड से राहत नहीं मिलने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली समेत उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में अभी अगले दो दिन शीतलहर की चपेट में रहेंगे। इसके साथ ही पंजाब हरियाणा के कई हिस्सों में भी घने कोहरे के साथ साथ शीतलहर की मार जारी है। बठिंडा अमृतसर पटियाला में पारा गिरने के साथ साथ घने कोहरे ने भी लोगों परेशानियों को बढ़ा दिया है। इसके अलावा हरियाणा के हिसार, चंडीगढ़ और अंबाला में मीटर विजिबिलिटी काफी कम हो गई, साथ ही तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। कई जगहों पर सर्दी से बचने के लिए लोग सुबह के समय अलाव जलाते नजर आ रहे हैं। तो शीतलहर के चपेट में पूरा उत्तर भारत, पंजाब हरियाणा में भी तापमान गिरा हुआ है। घने कोहरे ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि जबरदस्त ठंड इस वक्त चल रही है उत्तर भारत में, पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश दिल्ली एनसीआर, इन सभी जगहों पर कड़ाके की सर्दी है। साथ ही साथ घने कोहरे की चपेट की अगर हम बात करें तो पंजाब के कई जिले इसकी चपेट में हैं। दिल्ली एनसीआर में भी कमोबेश ऐसे ही हालात नजर आ रहे हैं। चलिए सीधे रुख कर लेते हैं लुधियाना से, हमारे संवाददाता राजेंद्र अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए। राजेंद्र, विस्तार से जानकारी दें, आज कैसा है वहां पर मौसम का मिजाज, क्या सर्दी और ज्यादा बढ़ गई है? जी बिल्कुल रेनू, लुधियाना की बात की जाए तो लुधियाना में भी ठंड का कहर जारी है। हालांकि उत्तर भारत में शीतलहर के चलते जो फोग की लहर देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता ठंड का कहर जो है वो जरूर जारी है। लेकिन मौसम विभाग की माने तो इस बार 3 साल का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। हालांकि उन्होंने ये भी दावा किया है कि इस बार जो बुजुर्ग है वो घर से बाहर ना निकले क्योंकि वो बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि बारिश पड़ने के बाद लोगों को जरूर राहत मिलेगी क्योंकि अभी जो सूखी ठंड पड़ रही है तो उसके चलते लोग बीमार हो सकते हैं और कहीं ना कहीं लोग आग जलाकर भी आग जो ठंड से राहत पाने की जो वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि ठंड का कहर जारी है, लेकिन लोग जरूर ठंड से बचने के लिए अपने घरों से देरी से बाहर निकल रहे हैं। इसके अलावा जो उनके रोज के काम है वो भी कहीं ना कहीं वो ढीली कमी से जो करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि लोगों का ठंड में निकलना जो है वो मुश्किल हो रखा है। तो इसको लेकर जैसा कि मौसम विभाग ने लोगों को अपील की है कि ठंड में ज्यादातर बाहर ना निकला जाए और रात के समय भी जो ट्रैवलिंग है वो कम की जाए क्योंकि एक्सीडेंट होने का जो ज्यादा वो खतरा रहता है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि ठंड को लेकर एहतियात बरतने की जरूरत है। तो मौसम विज्ञानियों ने भी लोगों को जो अपील की है कि इस मौसम में घर में ही ज्यादातर रहा जाए तो अच्छी बात है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राजेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो लोगों से ये कहा जा रहा है कि एहतियातन बहुत जरूरत हो तो ही घरों से बाहर निकले। फिलहाल शीतलहर के चपेट में पूरा उत्तर भारत नजर आ रहा है। तस्वीरें भी आप देखिए किस तरह से कोहरे का प्रकोप है, यानी डबल अटैक है ठंड और कोहरे का। गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही है, दिन में भी हेडलाइट जलानी पड़ रही है और लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, घर से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। इसके अलावा एडवाइजरी भी जारी की गई है, मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है।